क्योंकि फिलहाल सिनेमा हॉल्स आर ब्लीडिंग, यू नो, बहुत ही रफ फेज वहां पे फिलहाल एक रफ फेज चल रहा है, बट लकीली विद मास्टर एंड कपल ऑफ अगेन मोर फिल्म्स जो साउथ में फिल्में थी उनसे एक होप्स आ गए हैं कि भाई लोग वापस आएंगे, सिनेमा हॉल्स विल रिवाइव। एंड KGF का जो 2 का जो सी ट्रेलर आया था, टीजर आया था, उसको देख के तो मतलब लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे। तो क्या व्यूज है आपके उसके ऊपर, आप दोनों के? सिनेमा आपको हमेशा एक सिनेमा, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप, है ना। वो एक अलग अनुभव है। ये वैसा ही है जैसा हमें घर पे भी खाना तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने ना। तो हाँ वही है कि घर पे टीवी पे हमको मिल रहा है सब, लेकिन सिनेमा घर में जाकर एक फिल्म देखने का मजा अलग ही है। तो आई होप कि चीजें बेहतर हो और लोग आए। हाँ हाँ मतलब अभी आप भी बाहर जा के देखोगे तो मतलब सब नॉर्मल हुआ है, लगभग नॉर्मल हुआ है। मतलब भीड़ हो रही है अच्छे से, मतलब। और दूसरी बात तो ये है कि पेशेंट नहीं बढ़ रहे। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि हाँ बाहर जाके कुछ ऐसा है, तो वो नहीं हो रहा है। और एक बात, अगर आपको सच में डर लग रहा है तो आप खुद क्या मतलब ख्याल रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो खुद को, बस ये इतना करो, बस हो गया, खुद बहुत है ये। ओके सो हाँ, इसके बाद मतलब मैंने एक न्यूज पढ़ी कि जो KGF उसके जो फैन है, तो उसके फैंस ने PM को एक लेटर लिखा है कि उस दिन नेशनल छुट्टी जाहिर करे कि हमें फिल्म देखने जाना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई नॉर्मल हो सकता है, पहले जैसा हो सकता है, अभी देखते हैं, पता तो नहीं कुछ। चलो, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द सुपर सक्सेस ऑफ दिस वन ऑल्सो। और जल्दी मिलेंगे इसके सक्सेस इंटरव्यूज के साथ। एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू राइट, सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक्स।